आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शनिवार से बलकेश्वर कुंज पार्क में गणेश सेवा समिति का दो दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह शुरू हो गया। इस समारोह में पहले दिन 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। शनिवार से बलकेश्वर कुंज पार्क में गणेश सेवा समिति का दो दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह शुरू हो गया। इस समारोह में पहले दिन 32 जोड़ों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। गणेश सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कोविड-19 के चलते ये कार्यक्रम प्रतीक्षा सूची में पड़ा हुआ था, जो नववर्ष में हो रहा है। ये कार्यक्रम एकादशी उद्यापन का जो हो रहा है, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारी पूरी टीम ने, पूरे हमारे पदाधिकारियों ने 2 महीने से मेहनत की है। अच्छा, मेहनत के अलावा एक चीज़ और है, जो एकादशी कराने का हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जिन परिवारों में एकादशी उद्यापन नहीं हो पाता है, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं उनके पास, जैसे कि बच्चे नहीं कराते हैं या कुछ धन की कमी होती है, तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारी कमेटी ने व्यवस्था बनाई है। इसमें 51 जोड़ों का लक्ष्य था हमारा, वो 51 जोड़ों का लक्ष्य पूरा हुआ है और यही हम उम्मीद रखते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा और भव्य हो और बड़ा हो, यही। धन्यवाद। गणेश सेवा समिति के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल ने कहा कि सामूहिक एकादशी उद्यापन काफी महंगा होता है। आयोजन समिति ने यहां ऐसे जोड़ों को बुलाया है जो आर्थिक तंगी के चलते अभी तक सामूहिक एकादशी की पूजा नहीं कर पाए हैं। गणेश सेवा समिति द्वारा इस बार सामूहिक एकादशी का उद्यापन रखा गया है। कोरोना काल के बाद बहुत दिनों से लोगों का रुका हुआ था और ये एकादशी उद्यापन एक संकल्प है जिसको समिति ने अपने माध्यम से, दानदाताओं के सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक समागम यहाँ पर, आप देखिए कुंभ जैसा नज़ारा है, लग रहा है, उसको उन्होंने चलाने की कोशिश की है, हम लोगों ने सेवा करने की कोशिश की है। सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में पंडित विष्णु शर्मा ने विधि विधान से जोड़ों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कराई। उत्सव 9 जनवरी को समाप्त होगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।